हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं सुपरस्टार सलमान खान सर की मच अवेटेड फिल्म दबंग 3 के एडवांस बुकिंग कलेक्शंस की रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दबंग 3 से रिलेटेड हर न्यूज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दबंग 3 जो कि दबंग फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है और 2019 में रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस किंग सलमान खान नजर आने वाले हैं और उनका साथ देने वाले हैं कन्नड़ा बॉक्स ऑफिस किंग किच्चा सुदीप, सोनाक्षी सिन्हा और साई मांजरेकर। दोस्तों, प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनने वाली यह फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जैसा कि आप इससे पहले दबंग और दबंग 2 में देख चुके हैं। अब दोस्तों, दबंग 3 की जो कहानी है वो बताई जा रही है दबंग के पहले की कहानी, यानी कि सुपरस्टार सलमान खान के चुलबुल पांडे अवतार में आने वाली कहानी। इसी वजह से दोस्तों, इस फिल्म का इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही है। दोस्तों, इस फिल्म का ट्रेलर तो धमाकेदार आया था, जिसमें मास प्लस क्लास डायलॉग बाजी और सलमान खान का एक बार फिर से शर्टलेस सीन दिखाया गया था। इस फिल्म में दोस्तों, उनको काफी कड़ी टक्कर देने वाले हैं किच्चा सुदीप, जो कि इस फिल्म में विलन बनने वाले हैं। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म हिंदी, इंग्लिश, तमिल और कन्नड़ा भाषा में लगभग 5,500 स्क्रीन पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगने वाली है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के बज के हिसाब से इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिलहाल में इस फिल्म का जिस तरह का बज है वो सुपरस्टार सलमान खान की आज तक किसी भी फिल्म का नहीं बना है। और बता दें दोस्तों आपको कि इस फिल्म की अभी तक की जो एडवांस बुकिंग है वो अपने पहले दिन के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, ये फिल्म इंडिया की 2019 में हुई सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग लेने वाली फिल्मों की लिस्ट में अब 9वें नंबर पर आ चुकी है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म की टोटल एडवांस बुकिंग के बारे में, तो इस फिल्म की अभी तक की जो टोटल एडवांस बुकिंग हुई है वो सिंगल स्क्रीन पर और मल्टीप्लेक्स पर मिलाकर लगभग 8.5 करोड़ रुपए की हो चुकी है। सिंगल स्क्रीन पर तो दोस्तों इस फिल्म के 3 दिन तक जो भी शो थे वो पूरे हाउसफुल हो चुके हैं। वहीं मल्टीप्लेक्सेस में भी दोस्तों इस फिल्म को लेकर काफी अच्छा बज देखने को मिल रहा है। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे थे, वहीं इस फिल्म का ट्रेलर धमाकेदार रहा था। इस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन तमिल और तेलुगु में लगभग 10 करोड़ रुपए की तो ओपनिंग ले ही सकती है। वहीं हिंदी में इस फिल्म का कलेक्शन अपने पहले दिन का लगभग 35 से 40 करोड़ का होने वाला है। कन्नड़ा में दोस्तों इस फिल्म को काफी शानदार रेस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बेंगलोर सिटी में इस फिल्म की जो एडवांस है वो काफी शानदार रही है और वहां से दोस्तों अभी तक इस फिल्म के जो 30 शो है वो पूरे फास्ट फिल्म मोड पर चल रहे हैं। इस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चारों ही भाषाओं में 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग ले सकती है। अब यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 60 करोड़ रुपए की ओपनिंग लग सकती है। वही दोस्तों, अगर इस फिल्म को रिव्यूज अच्छे आते हैं तो इस फिल्म का जो शुरुआती 3 दिनों का टोटल कलेक्शन होगा वो लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों अगर ये फिल्म 170 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेती है, तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार सलमान खान के लिए एक और हिट फिल्म साबित हो जाएगी। 200 करोड़ के आंकड़े को अगर पार कर लेती है तो ये फिल्म हो जाएगी सुपर हिट। वही दोस्तों, अगर ये फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेती है तो हो जाएगी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, अभी तक हुई इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के हिसाब से ये फिल्म अभी से ही ब्लॉकबस्टर दिख रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस फिल्म का जो लाइफ टाइम होगा वो कितना होगा? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, दबंग 3 से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।